वेलकम गैलेक्सी स्कॉलर्स टू अनदर लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 13. सो नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर एंड इट इज फिल्ड विद अ वाटर अप टू द ब्रिम. यानी कि एक हमारा कोन है, इट इज लाइक दिस फिगर. ठीक है, इसमें टोटल तरीके से क्या भरा हुआ है, पानी. ओके, अब इसका जो हाइट दिया गया है, द हाइट इज अबाउट 8 सेंटीमीटर एंड जो उसका रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है. अब बोला गया है कि व्हेन अ लेड शॉट ईच ऑफ विच इज स्पीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लोस आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल. अब इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि एक स्पीयर के फॉर्म में लेड शॉट शॉट किया जा रहा है, जिसका जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है. इट इज़ अबाउट दी 0.5 सेंटीमीटर. तो जब इसमें हम कांस्टेंट 0.5 सेंटीमीटर वाले लेड शॉट कर रहे हैं, तो अराउंड इसके 1/4 जो वाटर है इस कोन में से क्या हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं. तो उसमें कितने लेड शॉट मारे गए हैं हमें वो फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहली बात तो इसी के अंदर हम कोन के अंदर ही डाल रहे हैं, तो क्या होगा, एक तरीके से डिवाइड होगा जो आपके स्पीयर के वॉल्यूम हैं. ओके, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ अ कोन है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर. क्लियर है मेरी बात? अब वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h. और वही स्पीयर का क्या होता है आपके, 2/4/3 πr³. क्लियर है मेरी बात? अब पाई पाई कैंसल. ठीक है, अब किस में से पानी गया है, 1/4, तो आपके कोन में से गया, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1/4 उसमें से मल्टीप्लाई भी, एक तरीके से डिवाइड भी करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब 1/3 रेडियस आपका 5 × 5 और आपका हाइट कितना है इसके अंदर, 8 सेंटीमीटर है. 4/3, अब रेडियस स्पीयर का कितना है, 0.5 का क्यूब, यानी कि 1/4 × 1/3 × 5 × 5 × 8, 4/3 × 5/10 × 5/10 × 5/10. कितने नंबर ऑफ स्पीयर हैं तो मल्टीप्लाई बाय एन कर देंगे हम. अब इसको हम इक्वल तरीके से लेके आएंगे जब सबको, तो 1/4 = 1/3 × 5 × 5 × 8 × 3/4 × 10 × 5 × 5 × 10 × 5 = n. क्लियर है मेरी बात? तो इस वे में आपका एक तरीके से सॉल्यूशन आएगा. अब हम कटम पिटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 5 कट 5 कट 5 कट 5 कट, और आपके 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा ये 5 ज़ा 5 कट 5 गट 2 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 कट 4 कट 3 कट 3 कट 10 10 बचा, यानी कि n = 100.
हंड्रेड लेट शॉट गए हैं। ओके, यानी कि इसके अंदर अराउंड जो आपके कोन वाले पार्ट हैं उसमें अराउंड हंड्रेड लेट शॉट हुआ, तो उसमें से 1/4 पानी का निकला हुआ है। क्लियर है मेरी बात? वेलकम टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ अ नंबर 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ a सिलेंडर ऑफ अ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस ऑफ अ डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल सॉलिड ऑफ अ कितना है 220 सेंटीमीटर है। तो यानी कि यह आपका ये सिलेंडर पार्ट बना, एक और है आपका उसके ऊपर जस्ट सिलेंडर है। क्लियर है? अब इसका जो रेडियस है इट इज अबाउट द 8 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है इट इज अबाउट द 12 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला है उसका जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है और इसका कितना है 60 सेंटीमीटर। अब मास जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम है, 8 ग्राम है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है उसका मास, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है दिया रहे तो वॉल्यूम है आपका। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ द बेस सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आपका रेडियस कितना है उसका जो बड़े वाले हैं उसका 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे और उसका हाइट कितना है 220। क्लियर है मेरी बात? अब हम एक तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इससे भी नहीं कटेगा, ये भी इससे भी नहीं कटेगा। सो जब 22 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 22 8 288 करेंगे तो 8 16 11 3 3 3 1 6 8। ओके, नाउ वी विल 3 1 6 8 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 करेंगे 22 मल्टीप्लाई तब इसे भी हम सॉल्व करेंगे इट विल 16 एंड देन इट विल बिकम 2 8 16 टू 12 13 1 2 3 6 सेम आएगा, सिमिलर आएगा 6 3 3 6 6 9 6 9 6। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे 6 9 6 9 6 डिवाइड बाय 7 देन इट विल बिकम अप टू द डिवाइड हम करेंगे यहाँ पे देन 6 9 7 6 9 63 एंड देन करी करेंगे देन आफ्टर वी विल गेट द अराउंड आंसर द 9 9 6 5.8 आंसर योर आंसर विल बी अराउंड 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़े वाले का होगा। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 रेडियस जो है उसको 8 सेंटीमीटर हाइट 60 है। ठीक है, इसमें भी सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48 22 मल्टीप्लाई 48 तो 8 2 16 17 6 15
9.56 डिवाइड बाई 7, जब हम ये करेंगे इट विल 0, देन हम इसको डिवाइड करते हैं 9.56077 अराउंड आपका आ जाएगा 12068.5 cm³. जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन आफ्टर वी विल गेट द आंसर. सो वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल प्लस बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर. एक का तो 9.56555.8 है प्लस 12068.5 है, हम दोनों का प्लस करते हैं तो 9.56.8 5 करेंगे तो अभी विल गेट 13. देन आफ्टर 14 11634.3 आपके आंसर आएंगे, यानी कि जो इसका वॉल्यूम होगा 634.3. अब हम सिंपल जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमें इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ऑब्टेंड हो जाएंगे, बिकॉज 1 cm³ पे कितना ग्राम है, 8 ग्राम है. एट फोर ज़ा 32 34, एट थ्री ज़ा 24 27, एट से फिर 8 6 ज़ा 48 50 0 8 13 9.3074.4 cm. मतलब आपके क्या आ जाएंगे, उसके अराउंड मास ग्राम होंगे. क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया है कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 120 cm एंड रेडियस इज 60 cm स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 cm. प्लेसिंग अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर. मान लो आपका ये आपका दिस इज योर सिलेंडर, एक आपका कोन है 60 cm, इसमें सॉलिड प्लेस किया गया, इसका जो रेडियस है 60 cm है, ठीक है, और जो इसका हाइट है कोन का वो कितना दिया है 120 cm. ओके, अब इसमें बोला गया है कि इसमें फुल पानी भरा हुआ है, पानी भरने के बाद जब जो ये सिलेंडर है उसका जो हाइट है 180 cm है और रेडियस कितना है 60 cm. तो जब इसमें से जब इस सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर जब मैं डालूँगा तो उसमें से कितना अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा, ठीक है, वो हमें क्या करना है, माइनस आउट करना है इसमें से, जिससे हमें पता चलेगा कितना पानी उसके अंदर अभी बचा हुआ है. सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर equals to volume of cylinder minus करेंगे volume of cylinder minus करेंगे volume of cone plus volume of hemisphere, ठीक है ना, ये है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
प्लस वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फीयर है, देन उसका जो फॉर्मूला है आपका 2/3 πr³, πr³। और जब आप इसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर वेरी परफेक्टली। सिंपल वे है, जस्ट इसमें से जो वाटर निकला हमें वही फाइंड आउट करना है। तो हम सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उससे हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। ओके, नाउ वी विल ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 cm लॉन्ग, 2 cm इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 cm एंड दिस इज योर बाउल विच इज स्फीयर, जिसका जो आकार है एक बाउल जैसा है, जिसकी हाइट जो है 8 cm है एंड इसका जो डायमीटर है इसका 2 cm, यानी रेडियस क्या हो जाएगा 1 cm होगा। और जो ये वाला स्फेरिकल पार्ट है उसका जो है इसका जो डायमीटर है उसका 8.5 cm है, जो इसका डायमीटर है। तो हम रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसका, तो जो कि क्या हो जाएगा, इट इज़ अबाउट 4.25 हो जाएगा इसका सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉरी स्फीयर पार्ट में, देन आफ्टर विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे 5πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ जो आपके स्फीयर है 4/3πr³। ठीक है, इसमें जो पाई हम कॉमन निकाल लेते हैं, r² h और आपका 4/3r³। r³ ये क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। देन आफ्टर व्हेन यू विल पुट द होल वैल्यू देन वी विल गेट द आंसर ऑफ द सॉल्यूशन। थैंक यू।